और लाइव लगातार में आपका स्वागत है। अभी हम एक ऐसे राइड में हैं जो टाटा स्टील के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पे जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कई सारे यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, कार हैं, यहाँ पे बाइक है। अभी जिस बाइक में हम बैठे हैं वो सोले के तरह जो बाइक यहाँ पे जिसमें हम बैठे हैं ये बैग भी होता है। अभी हमारे साथ आनंद जी हैं, आनंद जी से सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं। आनंद जी, क्या है ये और किस तरह का बाइक है ये? ये बाइक रॉयल इनफील्ड है, साइड का इस पर लगा हुआ अटैच है और ये गाड़ी का एक एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें हम लगाए हैं जो कि बहुत लोग को नहीं मालूम है। अब देखिए आपको जो है बैक करके ये दिखाएंगे किस तरह से बैक होता है ये। ये गाड़ी में एक रिवर्स गियरबॉक्स लगा हुआ है जो कि इस गाड़ी को रिवर्स करता है, गाड़ी पीछे भागता है। गाड़ी कैसे भागता है ये बता दीजिए। बता दें इसमें जो है कई सारे फीचर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। क्योंकि देखिए ये ऐसा बुलेट है, आप देख सकते हैं कि सोले फिल्म में इसको यूज़ किया गया और कई सारे यहाँ पे आप बुलेट देख सकते हैं और कई सारे बाइक को आपको और कई सारी यहाँ पे जो कार्स हैं उसको भी दिखाएंगे आपको। और आनंद जी से ये बात करते हैं। आनंद जी, यहाँ पे कैसे कैसे कार्स हैं, यहाँ पे कितने पुराने पुराने कार्स सब हैं यहाँ पे? आनंद जी, यहाँ पर बहुत सारे पुराने कार्स लगे हुए हैं। कार्स का मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं विंटेज बाइक और मोपेड साइकिल का बोला जाए तो दीवाना हूँ जो। और मेरे पास अभी यहाँ पर जो भी गाड़ी और बाइक लगा है, यहाँ 26 बाइक का कलेक्शन मैं यहाँ पर लगाया हूँ अभी, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, कितने पुराने पुराने बाइक हैं? 1932 से लेकर के 1960-70-75 तक का गाड़ी मेरे पास है। चलिए इनके साथ अभी हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन सा बाइक इनके पास है और कितने पुराने पुराने बाइक इनके पास है। आप देख सकते हैं फुटेज की आगे सामने में बाइक सारे हैं। आप देखिए अब यहाँ पे एक बुलेट जो रिवर्स लेता है, रिवर्स ले रहा है ये गाड़ी, आप देख सकते हैं रिवर्स हो रहा है। और पहली बार ये फीचर देखने को मिल रहा है कि बुलेट में रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये रिवर्स वाला क्या इसमें कॉन्सेप्ट? रिवर्स एक रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल कंपनी में एक गाड़ी में आता था जो कि उस गियरबॉक्स को हमने इस गाड़ी में फिट किया है ताकि ट्रॉली में लगाने में क्या होता है, गाड़ी पीछे करने आगे करने में दिक्कत होता है, जिसका वजह से मैंने इस गाड़ी में रिवर्स गियरबॉक्स लगाया जो कि काफ़ी आरामदायक होता है गाड़ी चलाने। आनंद जी के साथ और फीचर्स देखते हैं यहाँ पे बाइक्स का। पहले बाइक को हम देखते हैं, आनंद करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि कितना सारा बाइक यहाँ पे है और कई सारे, हाँ ये BSA है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ दो गाड़ी है, एक तो जेम्स है, ये मिलिट्री बाइक है, मैचलेस, ऐसा बहुत सारा गाड़ी यहाँ पर लगा हुआ है कलेक्शन में। और मैं आपको आगे से फीचर्स दिखाता हूँ, रुक जाइए आप बैठे रहिए, एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको यहाँ का फीचर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से शुरुआत से जो है, शुरुआती दौर जो है बाइक कलेक्शन जो है, यानी कई दौर से जो है हम पहली बार ऐसा हुआ है जमशेदपुर में कि चलते चलते बाइक में इंटरव्यू कर रहे हैं। आपको ये दिखा सकते हैं कि क्या कौन कौन सी बाइक्स है यहाँ पे, ठीक है। ये रॉयल इनफील्ड मोफा है, पहला 22 CC का गाड़ी है। उसका बगल में आपका एक TVS है 35 CC का, उसका बगल में भी TVS का है। एक होंडा है डर्ट बाइक जो सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाता है, उसके बगल में BSA बॉन्ड है। एक बगल में आप देख रहे होंगे हिटोडी रखा हुआ है, हिटोडी अपने शहर आदितपुर में ये गाड़ी बनता था, ये अपने शहर का गाड़ी है। और एक साइकिल देख रहे हैं, ये साइकिल फ्रंट व्हील और बैक व्हील दोनों तरफ से चलता है, आगे और पीछे दोनों। और ये अपना बॉबी राजदूत, ये मेरा एक छोटा सा कलेक्शन है यहाँ पर और आगे भी कलेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, और बहुत बड़ा कलेक्शन जो है आनंद जी के पास यहाँ पे है, क्योंकि आनंद जी लगातार जो है जमशेदपुर में कई सारे बाइक्स का कलेक्शन करते रहते हैं इनके पास ना। यानी जैसे मैंने देखा है कि इनके पास बहुत सारे कलेक्शन है, यानी कितना पुराना कलेक्शन है इनके पास, आपको देख के आश्चर्यचकित होगा, ठीक है। आप आनंद जी, कब का आपके पास है कलेक्शन? मेरे पास 1932 से लेकर के अभी तक का, आज तक का कलेक्शन में है 80-85। ये देखिए, एक तो रॉयल इनफील्ड का आप देख रहे होंगे यहाँ पर, एक तो साइकिल रखा हुआ है एरो साइकिल, ये 1975 मॉडल का है। और ये इनफील्ड कंपनी का साइकिल है 35 CC का, इसमें पेपर का इसमें ज़रूरत नहीं होता है, लाइसेंस पेपर हेलमेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको नॉर्मली आप गाड़ी ऐसे ही चला सकते हैं। और एक आगे का और जैसे बताइए, और एक गाड़ी बाइक
एक गाड़ी आप आगे देख रहे हैं, ये देखिए एटलस सोलेक्स, इसका आगे में इंजन है, फ्रंट इंजन है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये फ्रांस का और टाटा एटलस दोनों मिल करके, सोलेक्स दोनों मिल के कोलोब्रेशन करके गाड़ी बनाया था। ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसको आगे चक्का टच कर घुमा देने से स्टार्ट हो जाता है, पेट्रोल इंजन साइलेंसर सब इसका फ्रंट में है। अच्छा ये बताइए कि और पुराना बाइक्स कौन कौन सा आपके पास है कलेक्शन जो है? यहाँ सामने में है ये एक तो लक्ष्मी मोपेड, ये भी अपना ही है, लक्ष्मी मोपेड यहाँ लगा हुआ है जो देख रहे हैं। ये 50 cc का गाड़ी है, टू गियर है, ये आपका सुवेगा है 50 cc का गाड़ी है, ये एक तो एरो और आप देख रहे हैं बगल में, ये दो गाड़ी हम यहाँ पर सीरीज में लगाए हैं। देखिए पहली बार जो है जमशेदपुर में इस तरह का एग्जीबिशन तो पहले लगता ही रहता है, लेकिन जिस तरह से रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार ऐसा रिपोर्टिंग। और क्या आनंद जी बता रहे थे? और एक तो यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर का देखिए यहाँ साइड में आपका रखा हुआ लगा हुआ है। देखिए कई सारी यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाई गई है, मोपेड है, ठीक है, कार्स है और बहुत सारा यहाँ चीज है। यहाँ पर बेंटम गाड़ी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 125 cc का गाड़ी है, ये 125 cc का बाइक है, ये अभी रिसेंटली रिस्टोर करके इस इवेंट के लिए स्पेशली इस गाड़ी को हमने बनवा के मंगाया है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का एग्जीबिशन जो लगाया जाता है, इसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि लोगों का जागरूक करना कि कितना पुराना पुराना गाड़ी यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि कई सारे कलेक्शन जमशेदपुर में भी अभी भी सहज के रखे गए हैं। मैं पीयूष मिश्रा लगातार जमशेदपुर।